आगे देखिए, कहता है सांप आगे क्या कहता है, धरती पर रेंग लेता हूँ, मेरे लिए बहुत कुछ है, मुझे आकाश की स्वच्छंदता से क्या लेना देना, ना वहां छत है, ना दीवारें हैं, ना रेंगने के लिए जमीन है, मेरा तो सिर चकराने लगता है, दिल कांप कांप जाता है, अपने प्राणों को खतरे में डालना कहाँ की चतुराई है। सांप सोचने लगा कि बाज अभागा था जिसने आकाश की आजादी को प्राप्त करने में अपने प्राणों की बाजी लगा दी। किंतु कुछ देर बाद सांप के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा, उसने सुना चट्टानों के नीचे से एक मधुर रहस्यमय गीत की आवाज उठ रही है। पहले उसे अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ, किंतु कुछ देर बाद गीत के स्वर अधिक साफ सुनाई देने लगे। वह अपनी गुफा से बाहर आया और चट्टान के से नीचे झांकने लगा। सूरज की सुनहरी किरणों में समुद्र का नीला जल झिलमिला रहा था। चट्टानों को भिगोती हुई समुद्र की लहरों में गीत के स्वर फूट रहे थे। लहरों का यह गीत दूर दूर तक गूंज रहा था। अब ये बातें कहकर सांप क्या कहता है कि अच्छा है, मुझे तो जो मेरी गुफा है उससे सुरक्षित जगह कहीं भी नहीं मिल सकती। वो कहता है धरती पर रेंगता हूँ ये तो मेरे लिए बहुत अच्छा है, मुझे आकाश की स्वच्छंदता खुलेपन से क्या लेना देना, क्योंकि ना तो वहाँ दीवारें हैं, ना वहाँ पे रेंगने के लिए कोई जमीन है, ना वहाँ छत है, मेरा तो वहाँ पर सर ही चकरा जाता है, मुझे तो चक्कर आने लग जाते हैं, मेरा दिल तो कांप जाता है, अपने प्राणों को खतरे में डालना, प्राणों को खतरे में डालना यानी कि अपनी जान की परवाह ना करना कहाँ की जो है चतुराई है। अब सोचने लग गया कि बाज जो था वो बड़ा अभागा था, अभागा यानी बुरी किस्मत वाला था, जिसने आकाश की आजादी को पाने के लिए अपने की प्राणों की ही बाजी लगा दी, यानी जान की परवाह ही नहीं की आसमान में उड़ने के लिए। किंतु कुछ देर बाद सांप के आश्चर्य का ठिकाना क्या नहीं रहा, उसने सुना चट्टानों के नीचे से एक मधुर रहस्यमयी गीत की आवाज आ रही है। पहले उसे अपने कानों पर तो यकीन ही नहीं हुआ, किंतु कुछ देर बाद क्या हुआ, गीत का जो स्वर था यानी आवाज थी वो साफ सुनाई देने लगी। वो अपनी गुफा से बाहर आ गया और चट्टान के नीचे झांक कर देखने लगा। उसने क्या देखा कि जो सूरज की सुनहरी किरणें थी वो समुद्र के नीले जल में झिलमिला रही थी, झिलमिलाना यानी चमकना, वो चमक रही थी। चट्टानों को भिगोती हुई समुद्र की लहरों में गीत के स्वर फिर फूट रहे थे। जो समुद्र की लहरें हैं उनके गीत से आवाज आ रही थी, क्योंकि उनको चट्टाने भिगो रही थी। लहरों का ये गीत दूर दूर तक गूंज रहा था, दूर दूर तक जा रहा था। सांप ने अब क्या सुना, लहरें मधुर स्वर में क्या गा रही थी, हमारा यह गीत उन साहसी लोगों के लिए है जो अपने प्राणों को हथेली पर रखे हुए घूमते हैं, चतुर वही है जो प्राणों की बाजी लगाकर जिंदगी के हर खतरे को बहादुरी से सामना करे। अब सांप क्या सुनता है कि लहरें मीठे स्वर में क्या गा रही हैं, ये बाज के लिए गा रही थी कि यह है गीत हमारा उन साहसी वाले लोगों के लिए है जो अपने प्राणों को हथेली पर रखे हुए घूमते, यानी अपनी जान की परवाह नहीं करते, और चतुर वही हैं जो प्राणों की बाजी भी लगाकर जिंदगी के हर खतरे को बहादुरी से सामना करें, जो जान की परवाह किए बिना ही जिंदगी का हर खतरे को हिम्मत से सामना कर सके। ओ निडर बाज, शत्रुओं से लड़ते हुए तुमने अपना कीमती रक्त बहाया है, पर वह समय दूर नहीं है जब तुम्हारे खून की एक एक बूंद जिंदगी के अंधेरे में प्रकाश फैलाएगी और साहसी बहादुर दिलों में स्वतंत्रता और प्रकाश के लिए प्रेम पैदा करेगी। अब वो निडर बाज को क्या कहते हैं, बहादुर बाज को, कि तुमने जो है दुश्मनों से लड़ाई करते हुए अपना जो है कीमती रक्त यानी खून बहाया, पर वो समय दूर नहीं है जब तुम्हारे खून की एक एक बूंद की जिंदगी के अंधेरे में प्रकाश फैला देगी, रोशनी चमकाएगी, और जो साहसी और बहादुर लोग हैं उनके दिलों में आज़ादी और प्रकाश के लिए प्यार पैदा करेगी। तुमने अपना जीवन बलिदान कर दिया, किंतु तुम फिर भी अमर हो। जब कभी साहस और वीरता के गीत गाए जाएंगे, तुम्हारा नाम बड़े गर्व और श्रद्धा से लिया जाएगा। हमारा गीत जिंदगी के उन दीवानों के लिए हैं जो मर कर भी मृत्यु से नहीं डरते। वो कहते हैं तुमने जो है अपने जीवन का बलिदान तो कर दिया, किंतु फिर तुम भी अमर रहोगे, अमर यानी जो यादों में सदा जीवित रहे। जब कभी साहस और वीरता के गीत गाएंगे तो तुम्हारा जो नाम है बड़े गर्व से यानी सम्मान से और श्रद्धा यानी भक्ति भाव से लिया जाएगा। हमारा गीत जो है जिंदगी के उन्हीं दीवानों के लिए है
जो मर कर भी कभी मौत से नहीं डरते हैं। इसमें बताया गया है कि जो बाज है, चाहे उसने बेशक अपने प्राण गंवा दिए, लेकिन फिर भी वो क्या था, बहादुर था, और अपने आकाश में उड़ने के लिए उसने अपना जीवन बलिदान कर दिया। तो लहरें भी जो है उसको क्या कर रही थी, सम्मान दे रही थी।